स्वामी जी, इस पावरफुल सेशन की भी शुरुआत करते हैं, लेकिन चूंकि पानी की कमी का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है, तो गर्मी में पानी की कमी से सिर्फ हीट स्ट्रोक ही नहीं, यूरिन इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है, वो परेशानी भी सामने आती है स्वामी जी। कई बार किडनी फेलियर के कारण ये बनता है, तो इससे बचने का क्या उपाय करें? जिन लोगों को यूटीआई की परेशानी हो गई है वो किस तरह से आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर इस परेशानी से निजात पा सकते हैं? कहते हैं कि यूटीआई बार बार होता है। बहुत लोगों की मैंने ठीक किए। एक तो देखो, ठंडा गर्म सेक तो उधर कर रहे हैं, ठंडा गर्म सेक करते हैं, एक बार ठंडे से एक बार गर्म से सिकाई करते हैं, फिर मिट्टी पट्टी करते हैं, जो आप देख रहे हैं ना बाबू जी के पेट पर, ये मिट्टी पट्टी रखी हुई है, इसके पेट पर भी और माथे पर भी रख दो, नहीं तो माथे में गर्मी चढ़ जाती है। एक पट्टी माथे पर भी रखो, आंखें बंद कर लेंगे बाबूजी, और एक पट्टी फिर आपकी आंखों पर भी रखेंगे। हाँ, आंखों पर मिट्टी की पट्टी, पेट पर मिट्टी की पट्टी, बढ़िया ज़बरदस्त होती है। और फिर देखो, किडनी के लिए सबसे बेस्ट अभी तो मैं बता रहा था, जौ का आटा, जौ का दलिया, शीशम और पीपल के पत्तों का रस, शीशम और पीपल के रस पत्तों का रस, रिनोग्रिड देते हैं, जिनको भी पथरी बनने की संभावना, उनको फिर गोखरू का भी, गोखरू जो और कुलथ का पानी पिलाते हैं। वैसे तो लीथोम रेडीमेड भी हम देते हैं, लेकिन ये तो अद्भुत है, अप्रतिम है जो का प्रयोग, जो गोखरू और कुलथ, जिनको बार बार किडनी फॉर्मेशन होता, पानी कम पीते हैं, किडनी अंदर से, किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी में सिस्ट हो जाती है। और इस भुजंग आसन के साथ मरकट आसन भी करना चाहिए, फिर पावर योगा का सेशन तो आगे बताएंगे। और गर्मी का उपाय आज हमारे पास इधर आगे आए, प्याज खाया करें, प्याज, और ये प्याज, ये चने का सत्तू हमने सबको उपलब्ध करा दिया है, नहीं तो घर में बनाना हो तो अपनी मिक्सी में खुद ही बना लो। और ये जौ का दलिया, जौ का आटा और जौ का दलिया, अकेला पतंजलि ब्रांड है जो पूरे हिंदुस्तान में जौ का दलिया उपलब्ध कराता है और जौ का आटा उपलब्ध कराता है। ये बड़ा क्रिटिकल मामला है, जौ का आटा बनाना, उसमें भूसा बहुत ज़्यादा होता ऊपर। और सुबह सुबह एक प्याज सत्तू के साथ ही खा लो, फिर ना जो है सलाद के तौर पर खाओ, रोटी के साथ हमने तो प्याज खाई, छाछ पिया, उसी इसी से शरीर बना हुआ है। और सुनो, किडनी के लिए जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, जिनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिनको प्रोटीन लीकेज होता है और किडनी में सूजन आ जाता है, पुनर्नवा और मकोई तो बहुत ही ज़बरदस्त है सूजन के लिए, पुनर्नवादी मंडूर पुनर्ग्रिट भी देते हैं, ये लीवर में किडनी में जो सूजन होती है ना उसके लिए बेस्ट चीज़ें हैं। पुनर्नवा और मकोई तो सारी हिंदुस्तान को हमने बता दिया जी, यहाँ पर भी पुनर्नवा और मकोई साथ ही साथ खड़े हुए। और ये पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों का रस, ये पीपल हमने गमलों में लगा दिया, पीपल के पत्ते तोड़ो, इससे पीपल नाराज नहीं होता है, और रोज़ इसमें पानी भी डालो। हाँ, और पीपल नीम के पत्तों का रस भी ला करके हमने क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ लेवल कंट्रोल किया, और प्रोटीन लीकेज को तो रिनोग्रिट, रिनोग्रिट और गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा, गिलोय गोखरू और आंवला, सूखा आंवला नहीं तो आंवले का रस, इसका रस पिला देते हैं। और कितने लोगों का मैंने प्रोटीन लीकेज, छोटे बच्चों से बड़ों तक स्टीराइड देते हैं एलोपैथी में, फिर भी उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे छोटी छोटी बीमारियों पर के नाम पर डरा रखा है। अब जो इस बालकृष्ण बालक की तरह आज तो इसी से चैलेंज दिलाना पड़ेगा अंत में। आजकल ये चैलेंज वाला भी बड़ा चल रहा है, घर घर से लोग जो भी हम आसन बताते हैं उसके फिर हजारों में लाखों में लोग वीडियो बना बना करके भेजते हैं, लोगों में क्रेज आ गया अब योग का, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों ने अपने आप को डॉक्टरों के, मेडिकल स्टोर्स के, हॉस्पिटल्स के, दवाओं के हवाले कर रखा था। पहले तो कहते थे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम जाने फिदा वतन साथियों। तो देखो, ये अपने आप को जो डॉक्टरों के, दवाओं के, केमिकल्स के हवाले कर रखा, हम कहते हैं भाई अब सुबह सुबह अपने आप को संभालो, कोई तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा यदि तुम जागरूक नहीं हो मेरी बहन। जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी।